तो हेलो गाइस, नमस्कार। आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के ब्लॉग वीडियो में आप सभी लोग को बताने वाला हूँ कि हल कैसे जोताई जाता है, बैल से है नहीं और ट्रैक्टर से। तो दोस्तों, पलाह के लिए हम हल जोताई किए हैं, तो उसके बारे में आज दिखाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, ब्लॉग चैनल पर कंटिन्यू बने रहेगा। अगर आप हमारे ब्लॉग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, हम अभी बैक कैमरा से आपको दिखाएंगे कि बैल से हल जोताई कैसे करते हैं और ट्रैक्टर से कैसे जोताई करते हैं। तो दोस्तों, उन लोग क्योंकि पलाह से अभी पलाह बताएंगे क्योंकि ट्रैक्टर से और बैल से। तो दोस्तों, हमारे ब्लॉग चैनल पर कंटिन्यू बने रहेगा और दोस्तों हमारे ब्लॉग चैनल पर लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेते हैं। चलते हैं और दोस्तों, हम दिखाते हैं वहाँ पे जो कि अब ट्रैक्टर वाला दिखाते हैं, है नहीं। हम तो अभी बैल वाला दिखाए, अब ट्रैक्टर से प्रहा कैसे मतलब कि जोपते हैं, यानी कि अपने खेतों में। तो दोस्तों, चलिए हम उसी के बारे में हम अब दिखाने ले चलते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो गाइस, मैं अब आ चुका हूँ, ट्रैक्टर के पास पहुँचा हूँ। तो गाइस, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो पे आप देख सकते हैं ट्रैक्टर अभी स्टार्टिंग है, हल जोत रहा है नहीं, पलाह लगाने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हम पूरा पलाह मता गया है पूरा, जो कि यहाँ पे है नहीं, जो कि कीचड़ बहुत हो गया है अभी, जो इसमें पलाह जगाएंगे। क्योंकि दोस्तों, और वो पलाह जगाने वाला ब्लॉग को इंतज़ार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पलाह कैसे लगाते हैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे ब्लॉग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, ट्रैक्टर से इसी तरह से मतलब कि पलाह मताते हैं, जो कि उसमें ट्रैक्टर में रिंग लगाया जाता है तभी जो कीचड़ में नहीं दबता है, नहीं तो ऐसे ही काले टायर होने से दब जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए हमारे ब्लॉग पे बने रहिएगा।
तो दोस्तों ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारी ब्लॉग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।